नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, यानी इन तीन महीनों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है और जीवन में किस क्षेत्र में चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में दिया गया राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आगमन होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार और सवालों का द्वंद प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वर्ष 2020 काफी नकारात्मक स्थितियों को लेकर आया, उतार चढ़ाव भरा रहा, इसलिए वर्ष 2021 के आगमन के पूर्व ही आपके मन में या शाम सबके मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं और हम कल्पनाशील भी हो जाते हैं कि वर्ष 2021 में कैरियर कैसा रहने वाला है, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, शिक्षा के लिहाज से वर्ष कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर आपको वर्ष के तीन महीने जनवरी, फरवरी और मार्च कैसे रहने वाले हैं आपको जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि आपको और हम सबको पता है कि ग्रहों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है और ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। ग्रहों के गोचर के आधार पर ही ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। इस वीडियो में हम ग्रहों के आधार पर ही कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण वर्ष के तीन पूर्व के महीने में बनने जा रहा है आपको जानकारी देंगे। वर्ष 2020 कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में काफी नकारात्मक स्थितियों को लेकर आया। वर्ष 2021 के 5 से 7 महीने ऐसे थे जिसमें कुंभ राशि को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं आज भी हैं। कुंभ राशि वाले जो जातक थे उनको निरंतर संघर्ष करना पड़ा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी और परिणामों की प्राप्ति बहुत कम ही हुई। पारिवारिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ा, परिवार के सदस्यों से कहा सुनने की संभावनाएं पूर्व में उत्पन्न हुई। चूंकि आपके राशि पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी वर्तमान समय में चल रहा है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव रहने से मन में डरने की आवश्यकता नहीं होती है। 7.5 का प्रभाव जब भी किसी भी राशि के ऊपर होता है तो उस राशि से शनिदेव ज्यादा मेहनत लेते हैं, ज्यादा संघर्ष करवाते हैं और उस जातक को काफी मेच्योर, काफी संघर्षरत रहते हुए उसका व्यक्तिगत विकास करते हैं। इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां बनती है। यदि कुंडली पर शनि कमजोर भाव में या खराब घर में बैठे हुए रहते हैं तो 7.5 के दौरान बार बार नकारात्मक स्थितियां, मनोबल अचानक बढ़ जाना और अचानक डाउन हो जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वहीं शनिदेव किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर यदि कुंभ राशि का जातक है और मजबूत अवस्था में हो और शुभ घरों में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को 7.5 के दौरान ही शनिदेव रंग से राजा भी बना देते हैं, ऐसा कहा गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह तीन महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, कर्म फल प्रदाता शनिदेव आपके राशि के जो स्वामी हैं, आपके राशि में पूरे वर्ष तक 12th हाउस यानी व्यय भाव में विचरण करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 तक शनिदेव के साथ युति बनाएंगे और 12th हाउस में ही गुरुदेव भी रहने वाले हैं। यहाँ पर जो शनिदेव की दृष्टियां हैं अलग अलग भावों में जा रही हैं। राहु आपके राशि के 4th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। केतु आपके राशि के 10th भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इस समय अवधि में केतु और राहु जो है पूरे वर्ष तक इसी भाव में विचरण करने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में कुंभ राशि वाले जातकों को संघर्षरत होकर चलने की निरंतर आवश्यकता होगी। यदि आपका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और निरंतर आप मेहनत करते हैं तो जीवन में वर्ष 2021 में ऐसी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है जिसकी आपने पूर्व में कल्पना भी न की होगी। आपको जीवन में बड़ी बड़ी संभावनाएं वर्ष के इन तीन महीनों में देखने के लिए मिलेंगी। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यदि कंसंट्रेशन बनाकर कार्यस्थल पर चलते हैं तो कार्य क्षमता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। वर्ष 2021 के पूर्व के तीन महीने काफी बेहतर स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में करेंगे। हालांकि उतार चढ़ाव का भी सामना आपको करना होगा, लेकिन आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी जिससे आप लक्ष्यों को जल्दी हासिल करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वर्ष 2021 के इन तीन महीनों में यदि व्यापारिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। 6 अप्रैल 2021 के पश्चात पूरे वर्ष तक आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उसके पूर्व तक मेहनत आपको निरंतर करने की आवश्यकता रहने वाली है।
वर्ष के इन 3 महीनों में यदि आप नया स्टार्टअप करने की योजना बना रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रारंभ कर सकते हैं। इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां बढ़ेंगी, आमदनी के सोर्स में वृद्धि होगी, कर्म फल प्रदाता शनिदेव आपको मार्गदर्शन देंगे जिससे आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और पूर्ण रूपेण आप चौमुखी विकास करते हुए इन 3 महीनों में नजर आने वाले हैं। इसलिए इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देकर इन 3 महीनों में चलने की आवश्यकता होगी कि बिल्कुल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के 12th हाउस में मौजूद है, व्यय भाव में मौजूद है। इसलिए आपसे मेहनत ज्यादा करवाएंगे तो आपको करनी होगी। मनोबल को बढ़ाकर, उत्साह को बढ़ाकर निरंतर जीवन में संघर्षरत रहें, इससे बड़ी उपलब्धि आपको जल्दी हासिल होगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के इन 3 महीनों में, चूंकि द्वादश भाव में शनिदेव और गुरुदेव बैठे हुए हैं, बृहस्पति अप्रैल तक आपके राशि में इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इससे आर्थिक स्थितियां आपकी सुदृढ़ भी रहने वाली हैं, खर्चों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, धन आगमन की तो पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि पूर्व के समय से धन अभाव की स्थिति निरंतर बनी हुई थी तो धन संकट दूर होगा, धन आगमन काफी ज्यादा होगा। लेकिन 12th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं जिससे आपका अनायास खर्च होगा, यानी हॉस्पिटलाइज खर्चे काफी ज्यादा बढ़ेंगे, व्यर्थ के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी धन प्रदायक स्थितियां भी बनेंगी और खर्चों में वृद्धि होती हुई भी नजर आने वाली है। शुभ ग्रहों का प्रभाव राशि में आपके 12th सेकंड हाउस में, चूंकि धन भाव में है, जिससे धन आगमन की पूर्ण रूपेण संभावना इन 3 महीनों में बनती हुई नजर आ रही है। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो शिक्षा के लिए कुंभ राशि को बेहतर परिणाम इस समय अवधि में देखने के लिए मिलेंगे। यदि पूर्व के समय से निरंतर मेहनत करना पड़ रहा था और मन में भटकाव की स्थिति निरंतर बनी हुई थी तो इस समय अवधि में, यानी वर्ष के इन 3 महीनों में, जनवरी फरवरी और मार्च का महीना शिक्षा के लिए से मन में प्रसन्नता देने वाला रहेगा, मन काफी प्रसन्न रहेगा, आपके मेहनत के परिणामों का फल आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि में विदेशों में जो जातक संलग्न है उनके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, शिक्षा के लिहाज से काफी श्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। जो छात्र मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, आर्किटेक्चर फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके जीवन में अच्छी स्थितियां और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। इन 3 महीनों में यदि आपने परीक्षा प्रतियोगिता की परीक्षा के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपके पक्ष में आने की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जो छात्र हैं उनको जीवन में श्रेष्ठ सफलता देखने के लिए मिलेगी। अब इन 3 महीनों में अगर पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो छाया ग्रह राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहने वाला है, जिससे पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों को आप कम समय देते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं उनसे कहा सुनने की भी संभावना उत्पन्न होगी, परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और राहु को एक ऐसा ग्रह कहा गया है जो एक निश्चित परिणाम नहीं देता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में बार बार बदलाव देखने के लिए मिलेगा, यानी घर से आपको बार बार दूर जाना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप पूरा समय स्पेंड करते हुए इन 3 महीनों में नहीं नजर आएंगे, यानी आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा, आपकी यात्राएं बनी हुई रहने वाली हैं और घर परिवार में आपका आगमन होगा और फिर आप किसी कार्य से दूर जाएंगे फिर आएंगे, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। यदि भाई बहनों से विवाद की स्थिति पूर्व के समय से थी तो उससे आपको शांति देखने के लिए मिलेगी। परिवार के सदस्यों में कहा सुनने की संभावना यदि पूर्व के समय से उत्पन्न थी तो वर्ष 2021 के इन महीनों में काफी एकजुटता देखने के लिए मिलेगी। हालांकि आपको यह भी ध्यान देकर चलना चाहिए क्योंकि नवीन वर्ष है तो यदि मन में नकारात्मक स्थितियां रिश्तों में बनी हुई है तो उसको त्याग कर, उसको भुला कर समन्वय बनाना चाहिए और खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक एक बार फिर से एकजुटता लाकर, समन्वय बनाकर पारिवारिक जीवन को इकट्ठा रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय वो भविष्य में कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए पूर्व के समय में यदि खराब रिश्ते हो भी गए थे तो उसको लेकर भविष्य में नकारात्मक स्थितियों को क्या उत्पन्न करना है, इसलिए ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। प्रेम जीवन के लिहाज से और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के ये 3 महीने प्रेम जीवन के लिहाज से काफी शानदार हैं। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति का गोचर आपके राशि के 5th भाव और 7th भाव में होने जा रहा है, जिससे अप्रैल के पश्चात विवाह की संभावना बनेगी। लेकिन इन 3 महीनों में प्रेम जीवन के लिहाज से काफी, उसके पूर्व भी महीना काफी श्रेष्ठ है। जनवरी फरवरी और मार्च का महीना शुभ ग्रहों की दृष्टियां 5th भाव में जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही है,
यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है, जिससे श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आने वाला है। इस समय अवधि में दाम्पत्य जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके मन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। संतान प्राप्ति के लिए जो जातक प्रयासरत थे, अप्रैल के पश्चात संभावना बनेगी। उसके पूर्व भी आपके वैवाहिक जीवन में एकजुटता देखने के लिए मिलेगी। आपके प्रेम प्रसंग में समन्वय बना हुआ रहने वाला है। इस समय अवधि में आप काफी खुश नजर आएंगे और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छी स्थितियां बनी हुई इन 3 महीनों में रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के शुरुआत के ये समय स्वास्थ्य की दिशा में, चूंकि शनि और गुरु 12th हाउस में मौजूद हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य की दिशा में इस समय अवधि में सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। एसिडिटी, पैर दर्द, दांत दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में समस्या, यानी हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकती हैं। जो द्वादश भाव में शनि मौजूद हैं आपके राशि में, तो हॉस्पिटलाइज खर्चे, जैसे आपने अभी राशिफल के पूर्व में ही हमें आपको बताया कि होने की संभावना बनेगी और साढ़े साथी के प्रभाव भी है, तो यदि शनि पीड़ित अवस्था में है तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता आपको होगी। वाहन चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधान होकर चलना चाहिए। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से फिट बनाए रखने के लिए दिनचर्या आपको व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सोने जागने की आदत पर ध्यान देना, यानी अनिद्रा की समस्या न होने पाए, इसलिए पूर्ण रूप से 8 घंटे नींद लेना श्रेष्ठ रहने वाला है और सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना श्रेष्ठ रहने वाला है। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना श्रेष्ठ रहेगा। क्रोध की स्थिति, तनाव की स्थिति मन में लेकर बिल्कुल भी ना चले, इससे स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो सकता है। चाय, चीनी, शक्कर, इन विषयों से आपको दूर रहना चाहिए, इससे वजन बढ़ने की समस्या उत्पन्न होगी और पेट में दर्द की समस्या भी उत्पन्न होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि के लिए कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करेंगे। चूंकि वर्ष 2021 नवीन वर्ष है, तो सबसे पहले हम कुछ आपकी कमियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि दूरदर्शी राशि है, दूर की स्थितियों को भाप लेने की क्षमता होती है। बौद्धिक क्षमता कुंभ राशि वाले जातकों की काफी तीव्र होती है। गजब से मुश्किल कार्य को ये हंसकर कर जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इनका उत्साह निरंतर बना हुआ रहता है। मेहनत निरंतर करते हुए जातक दिखे जाते हैं। रिश्तों में हमेशा समन्वय बनाकर चलते हैं, हंसमुख होते हैं। कुंभ राशि बहुत अच्छी राशि है, लेकिन आपके जीवन में कुछ नकारात्मक स्थितियां आपके इस स्वभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। तो यदि ये कमियां आपके अंदर मौजूद हैं तो इसको वर्ष 2021 के पूर्व ही दूर करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो पहाड़ के जो बड़े पत्थर होते हैं वह हमारा रास्ता नहीं रोकते हैं, हमारे पैर में फंसा हुआ एक छोटा सा कंकड़ ही हमारा रास्ता रोकता है। इसलिए हम अपने अंदर की कमियों से ही जीवन में हमेशा परास्त होते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को वर्ष 2021 में जीव और क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना चाहिए। दूसरा, अनियमितता, बिना नियम बनाए किसी कार्य को आप ना करें, अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि कुंभ राशि के जो जातक होते हैं किसी नियम को 10 दिन तक मान्य करते हैं, उसके पश्चात भूल जाते हैं। इसलिए शेड्यूल बनाकर ही किसी कार्य को आप जीवन में करें। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, करियर की दिशा में जुड़े हैं, इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा। हर व्यक्ति से अपेक्षा रखना आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, यानी हर व्यक्ति से के ऊपर आप डिपेंड ना हो जाएं। इस वर्ष आपको ये ध्यान देकर चलना चाहिए कि आपके जो चापलूस हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, यानी संगति पर आपको कार्य करके इस वर्ष चलने की आवश्यकता होगी। ऐसे व्यक्तियों से इस वर्ष आप दूर रहें जो आपके मुख पर आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपका निंदा करते हैं और बुराई करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को वर्ष 2021 में ओवर कॉन्फिडेंस में किसी बड़े निर्णय को लेने से बचना चाहिए। ऐसे कार्य, यदि कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, अपने घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की सहमति लेकर करना चाहिए। मन मौजी बन के जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। वर्ष 2021 में कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, लोगों पर अत्यधिक भरोसा करके आप ना चलें, क्योंकि शनिदेव के साढ़े साथी का प्रभाव है, इसलिए लोगों पर आपकी भरोसा आपको नुकसान दिला सकती है। इससे रिश्तों में भी नुकसान होगा और श्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में नहीं बनेगी। आप उसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करें जो आपका परम हितैषी है और जो व्यक्ति आपका व्यक्तिगत विकास कर रहा है। तो इन कुछ कमियों पर ऊपर आपको कार्य करके जरूर चलने की आवश्यकता होगी। अब आइए हम आपके लिए कुछ धार्मिक उपाय बताते हैं। सबसे पहले, मनुष्य अपनी कर्म दक्षता के आधार पर अपने भाग्य और भविष्य को बदल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
इसलिए जीवन में यदि श्रेष्ठ और नकारात्मक स्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं और तनावग्रस्त भी यदि आप हैं, तो इस स्थिति को लेकर जीवन में आप आगे कभी ना बढ़ें। मनोबल को बनाएं, जीवन में निरंतर अग्रसर रहें, कर्मरत रहें। आने वाले भविष्य की रूपरेखा आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। आने वाली स्थितियाँ आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठ हो सकती हैं, इसलिए मन में तनाव की स्थिति लेकर वर्ष 2021 में बिल्कुल भी ना बैठें। धार्मिक दिशा में यदि शनिदेव कमजोर अवस्था में है तो कुंभ राशि आप रत्न धारण कर सकते हैं। आपको नीलम रत्न, ओपल रत्न धारण करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का आप जरूर धारण कर सकते हैं, इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय यानी काले वस्त्रों का दान करना, काले कपड़ों को पहनना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। काले छाता, काला तिल है। प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के 7 चक्कर लगाने के पश्चात पीपल के वृक्ष को आप जल दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय यही है कि किसी व्यक्ति के साथ आप अन्याय ना करें। यानी शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं, यानी किसी व्यक्ति से झूठ बोलना, उसको धोखा देना, ऐसी स्थितियां बिल्कुल जीवन में उत्पन्न ना करें। यही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इस वर्ष आप एक बार अपने घर में रुद्राभिषेक आप भगवान शिव का जरूर करवाएं, इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। गरीब असहाय व्यक्ति का आप सम्मान करें, माताओं बहनों का आप सम्मान करके जीवन में आगे बढ़ें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।